me harder. सो हाय गाइस, मैं हूँ डेविलर। आप लोग देख रहे हो डेविल गेम यूट्यूब चैनल। तो मैं यहाँ पर खेलने जा रहा हूँ GTA 5। तो यहाँ पर माइकल ने बोला है कि तू अगर प्राइम मिनिस्टर को किल करेगा तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। तो हमने फ्रैंकलिन ने हाँ कर दी, क्योंकि फ्रैंकलिन एकदम दबंग बंदा है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने पहचान लिया तो बहुत सारे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैं पूरे काले कपड़े पहनने वाला, तो मुझे चाहिए, हाँ गाइस ये वाला कपड़ा ठीक है, इसमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने घर के बाहर जाते और फिर हम किसी और की गाड़ी चुरा कर जाएंगे गाइस, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से जाएंगे तो किसी को शक हो सकता है, इसलिए हम किसी और की गाड़ी से जाएंगे। तो यहाँ पर ये मेरी कार है, तो मैं दूसरे की कार चुराऊंगा। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं और देखते हैं किसी की कार आ रही है नहीं। वो कार तो चली गई। तो आगे एक SUV है, ये गाड़ी ठीक है हमारे लिए, तो हम ये वाली गाड़ी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मैप में मार्क कर लेता हूँ कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो इस जगह पर अपना एयरपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पर मार्क लिया है। और सबसे पहले रेडियो भी ऑफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत गाना हो रहा है। तो यहाँ पर रेडियो मैंने ऑफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर हमें दूसरे रास्ते जा रहा था, सॉरी। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ और दूसरे रास्ते से चलता हूँ। हम गलत आ गए थे थोड़ा बहुत। तो गाइस ये वाली कार बहुत अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ ये वाली कार। अरे आंटी जी कार रोक दो। तो गाइस मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कार है, हमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आंटी को मैंने गिरा दिया है और मैंने उसकी कार ले ली है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। तो मैंने आंटी की कार ले ली, तो और इसमें भी रेडियो ऑफ कर लेता हूँ। और गाइस ये कोई छोटा मोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो हमें उससे बच कर रहना होगा। और गाइस चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि हम GTA 5 की वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लॉस सैंटोस में पहुँच चुका हूँ, हमें एयरपोर्ट जाना है। तो मैं थोड़ा बहुत आगे चला जाता हूँ और सीधा रास्ता है एयरपोर्ट जाने का, तो हम पूरे सीधे चलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। मैं पीछे के रास्ते से एंटर हो रहा हूँ। गाइस ये कोई नहीं खोलेगा, मुझे तोड़कर ही जाना होगा। इसको तो खोल दो, ले हॉर्न मारता हूँ। तो गाइस मैंने हॉर्न मार लिया है और हम अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसी कहीं पर गाड़ी पार्क कर लेते हैं। तो यहाँ गाइस ये इस जगह पे हम अपनी कार पार्क कर लेते हैं यहाँ पर आगे। और मैं ड्रोन से चेक करने वाला हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ है। तो सबसे पहले मैं अपना आगे चला जाता हूँ और किसी को दिखूँ ना ऐसी जगह पर, ये बंदा हमें देख लेगा। तो हम थोड़ा बहुत आगे चले जाते हैं। हाँ गाइस ये जगह सही है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे ड्रोन निकाल लिया है और मैं थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि मैं ऊपर से ही देख लूँ कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ है। तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ तो दिख रही है गाइस, इतनी सारी सिक्योरिटी से मुझे नहीं पता था। यहाँ पर थोड़े बहुत बाइकर और LSPD है, लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर थोड़े बहुत प्राइम मिनिस्टर के भी सिक्योरिटी गार्ड हो गए। और यहाँ पर स्वेट सोल्जर भी है, देख लो यहाँ पे ये है स्वेट सोल्जर। तो उधर है प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग फ़ोटो खींचने में मस्त हो रहे हैं, ये देखो कितना बड़ा कैमरा है। तो वहाँ पर सामने ही है अपने प्राइम मिनिस्टर। तो मैं ड्रोन थोड़ा दूर ले लेता हूँ, जिससे उन लोगों को पता ना चले। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मारूँ कहाँ से। तो सबसे पहले अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूँढ लेता हूँ, जिससे मैं प्राइम मिनिस्टर को मारूँ और किसी को पता ना चले इतना ज़्यादा। तो ये जगह जहाँ पर एम्बुलेंस भी आई हुई है, तो यहाँ पर हमें प्राइम मिनिस्टर को मरना है। तो गाइस ये टावर हमारे लिए
अच्छा होगा, क्योंकि हम टावर से ऊपर से स्नाइपर लेके स्नाइपिंग करेंगे और प्राइम मिनिस्टर को हम मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम फ्रैंकलिन में वापस स्विच हो चुके हैं और मुझे कार लेकर वापस उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर टावर है। तो ये रही अपनी रेड वाली अच्छी सी स्पोर्ट्स कार, तो मैं ये कार ले लेता हूँ और जल्दी से चलता हूँ उस टावर पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली है और सबसे पहले हम अपने टावर पे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है उधर। और तो गाइस हम आ चुके हैं इस टावर के पीछे से ताकि किसी को भी पता ना चले कि हम कहाँ पे हैं, और पुलिस वालों को थोड़ा बहुत शक होगा और वो ठीक है हमारे लिए हो चलेगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ऊपर कैसे जाऊँ, तो यहाँ पर किसी रास्ता है गाइस? यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ड्रोन की मदद से मैं ऊपर चलूँ, तो यह राम है तो मैं ड्रोन की मदद से ऊपर चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इधर और मैं ड्रोन की मदद से मैं इधर में बैठ चुका हूँ और इधर से मैं स्नाइपिंग करूँगा और प्राइम मिनिस्टर को किल कर दूँगा। तो यहाँ पर अपने अपनी स्नाइपर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर कोई है तो नहीं। तो मैं अपनी स्नाइपर निकाल लेता हूँ। ये रही मेरा स्नाइपर। तो गाइस मैं ये देखो यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है और बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी है जो कि प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो ले रहे। और ये रहे प्राइम मिनिस्टर और ये शायद से उनकी असिस्टेंट है। ये रहे प्राइम मिनिस्टर, तो मैं किल कर देता हूँ प्राइम मिनिस्टर को। ये गया प्राइम मिनिस्टर और दो स्टार पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। तो हम पैराशूट से जल्दी से नीचे पहुँच जाते हैं, काश क्रैश लैंडिंग ना हो। क्रैश लैंडिंग नहीं, अरे यार शट। तो सबसे पहले हम अपनी कार लेते हैं और जल्दी से यहाँ पर भागते हैं या फिर ये लोग हमारा बर्ताव बना देंगे जो कि बहुत बुरी बात है। तो सबसे पहले मैं मैप में मार्क कर लेता हूँ कि इस एयरपोर्ट से हम बाहर किस तरह से जाएं। तो यहाँ पर मैंने मार्क लिया। गाइस मैप पे देखो कितनी सारी पुलिस है, गाइस कितनी सारी पुलिस है। अरे ये रहे गाइस, ये मेरी कार को पूरी तरह से तबाह कर देंगी, इसलिए मैं सबसे पहले भागता हूँ। तो यहाँ पर पीछे देख लेता हूँ कोई है तो नहीं। तो यहाँ पर एयरपोर्ट का रास्ता ये रहा। तो सबसे पहले हम बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं बाहर कोई पुलिस है या नहीं है। तो यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल कर ही रखा था। तो मैं जैसे तैसे करके इधर से बाहर निकल आया हूँ और यहाँ पर हम बाहर आ चुके हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी भगाते और देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर गाइस शायद से मैं उसी रास्ते पर वापस आ चुका हूँ। हाँ गाइस मैं उसी रास्ते पर वापस आ चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर एक रैम्प था जिसके ऊपर एक कार लटकी हुई थी। गाइस ये एयरपोर्ट का रास्ता बहुत घुमा देने वाला है, बहुत घुमा देने वाला है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले भागता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। गाइस देखो पुलिस के स्टार ब्लिंक्स हो रहे हैं, इसका मतलब शायद से वो हमारा पीछे छोड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भागते, अरे यार इस क्रेन वाले ने हमें ठोक दिया है। तो यहाँ पर पुलिस के स्टार थोड़े बहुत ब्लिंक्स होने वाले, तो गाइस ये बहुत तेज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भागते ही रहता हूँ और पुलिस की नज़र में ना आते हुए हम भागते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पर यह ट्रक आया, मैंने ट्रक को ओवरटेक कर दिया है और यहाँ से हम इस जगह से लेफ्ट ले लेते और नीचे चलते हुए। तो यहाँ पर मैं सबसे तेज भगाते ही जाता हूँ। और गाइस पुलिस के स्टार देखिए निकलने वाले, निकल जा गाइस। फाइनली हम पुलिस से बच चुके हैं और हमने प्राइम मिनिस्टर को किल कर दिया है और माइकल हमें इसके बहुत सारे पैसे देगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं दूसरे की गाड़ी लेकर वापस जा रहा हूँ, हम दूसरे जगह पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें भी रेडियो ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम भाग के वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, उसको पता चले कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं और कैसे क्या सब करते हैं। तो बाय बाय, टेक मिलते हैं, टेक केयर।